हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गोरखपुर गर्ल गौसिया सुम्बुल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो मैं आज आपको सोयाबीन की सीख कबाब बताती हूँ, ये कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये सोयाबीन है 1 बाउल। अब मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। अब इसे 10 मिनट तक भिगो के रख देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, ये भुना हुआ जीरा है आधा चम्मच, ये गरम मसाला है 1 चम्मच, ये लाल मिर्च पाउडर है आधा चम्मच, ये चाट मसाला है आधा चम्मच और ये काली मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच। ये धनिया की पत्ती है, ये 2 चिल्ली है ग्रीन, ये प्याज है 1 मीडियम साइज़ का जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये आधा नींबू है, ये लहसुन है और ये अदरक है 1 टुकड़ा, ये 6 चम्मच बेसन है इसे मैंने भून लिया था, ये कॉर्नफ्लावर है 2 चम्मच, ये प्याज है 1, मैंने इसे तल लिया है, ये 1 चम्मच तेल है रिफाइंड ऑयल, आप इसकी जगह बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नमक है। तभी वर्ष ये 3 छोटी इलायची है, ये 2 लौंग है और ये दालचीनी है 3 टुकड़ा। अब मैंने जो सोयाबीन को भिगोया था पानी में, गर्म पानी में, उसे हाथ से निचोड़ लेंगे, उसका सारा पानी निकाल देंगे। अच्छे से निकालना है इसका पानी। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें सब आधा डाल के पीस लेंगे। और ये जो खड़े मसाले ये भी डाल के पीस लेंगे इसमें। देखिए इसको ऐसे महीन सा पीसना है, बिना पानी के पीसा है मैंने। अब एक मैं मिक्सी का जार लूँगी और उसमें ओनियन डाल दूँगी जो मैंने रफली काट लिया था, हरे मिर्चें डाल दूँगी 2, धनिया की पत्ती डाल दिया है, अदरक डाला है और ये लहसुन, इसको मैं पीस लूँगी। अब इसमें मिक्स करेंगे हम सब। जो मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो मिक्स कर दिया है। अब इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच मिक्स किया है, इसमें बेसन मिक्स किया है 8 चम्मच और ये इसे हाथ से क्रश कर लेंगे प्याज। अब मैंने रिफाइंड ऑयल मिक्स किया है, आप इसकी जगह बटर भी मिला सकते हैं। अब मैं 1 चम्मच नमक डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप लोग मिक्स करें तो हाथ एकदम साफ होना चाहिए। अब मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी, जो मैंने आधा नींबू दिखाया था उसी का रस डाला है मैंने। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम बनाएंगे सीख। तो देखिए मेरे पास इसकी डंडी तो नहीं थी, लेकिन ये पेंसिल है, ये तो आप पेंसिल से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने पानी रखा है, आप थोड़ा सा कबाब हाथ में लेंगे और देखिए इस पेंसिल पे लगाएंगे। देखिए फिर पानी में डालेंगे हाथ, फिर अच्छे से लगाएंगे, इससे अच्छे से लग जाता है ये। देखिए अच्छे से लग गया ये। अब मैं आपको इसके निकालने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए नीचे से प्रेस करेंगे हल्के हाथों से, तो ये बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए सीख कबाब रेडी हो गया, सोयाबीन का सीख कबाब बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने 2 बना लिया है। अब मैंने ऑयल गरम किया है, ये रिफाइंड ऑयल है और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है मैंने। अब मैं डाल दूँगी इसमें, अब इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी।
ऐसे दूसरा बैच भी हम कर लेंगे। देखिए ये भी तैयार हो गया। देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा सीख कबाब सोयाबीन का तैयार है। आप लोग भी सोयाबीन का सीख कबाब बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।